अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं हूँ अफसा खान एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपको टूर करवाऊँगी जी अपने होम फ्रूट ट्रीज़ का। तो आइए चलते हैं। फ्लावर्स हाशी, देखो ये है प्लांट और ये फ्लावर है। गॉट इट? प्लग नहीं करने। आपके वो बुक में है ना प्लांट, ये प्लांट है, इसको कहते हैं प्लांट, और ये लीव्स हैं, ये स्टेम्प है और ये फ्लावर्स। अच्छा जी, ये ग्रेप फ्रूट का ट्री है। अच्छा हाशिर, और वो कौन सा है, ये वाला कौन सा है? ये वाला, ये लगता है गावा का है, ये वाला, ये गावा का है, और ये वाला, ये वाला। अच्छा जी, ये वाला जो है ये लेमन का है, ये लेमन है, ये नहीं 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 ये गावा है, और ये वाला पीच है हाशी, ये वाला पीच है ना। और वो देखें जी, ये भी एक लग रहा है, ये नहीं अब मुझे पता कि ये क्या है। यहाँ तो ये ऑरेंज है हाशी, ये भी है ना एक, ये भी ग्रो हुआ है। ये क्या है? ये मुझे यहाँ तो माल्टा लग रहा है हाशी। हाशी डोंट प्लग इट। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा हाशी, ये वाला ग्रेप फ्रूट का है, और नहीं नहीं गावा का वो पीछे है, और ये वाला हाँ जी, ये वाला हाशी, ये कौन सा था? ये लीची का था है ना, ये वाला लीची, हम लीची प्लग करते थे ना, ये लीची का था, और ये एप्पल का है, ये वाला, ये सेब का है, ये सेब का है, ये वाला, ये सेब का है, और गावर नहीं आशी, वो वाला, ये वाला जो है ना, चेक करवाती हूँ, ये वाला जी अंजीर का है, और ये एप्पल, एंड दिस वन इज वो जिसको हम कहते हैं जापानी फल, और पर्सिमन मीन्स के जापानी फल का। ये हमारा ब्रेक हो गया था, अब दोबारा से हो रहा है। जी जी, ये एप्पल का है ना, ये भी ग्रो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी एक रह गया है लुकार्ट का, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कभी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ये बहुत ज़िद में आ गया कि बस मामा चलो अब आए, इसने राउंड लगाना है, तो बस राउंड के लिए ज़िद कर रहा है, अभी खड़ा नहीं होगा। ओके चलो लेट्स गो। आप कहाँ जाना? चलो मैं अपनी खाने की चीजें भी लाया। अच्छा मैं चलते फिर बाल की तरह चलूंगा। वालेकुम सलाम। एक तो हाशी की जान पहचान बहुत ज़्यादा है, कि बाहर निकलता है जब किसी को देख ले, जब तक उसे हेलो हाय ना कर ले ये आगे मुंह भी नहीं करता। इस तरफ से मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होती हूँ कि सब इसको बाहर जानते हैं, और मुझे टेंशन नहीं होती कि बाहर हाशी कहीं चला जाएगा या कहीं घूम जाएगा। तो ये अकेला भी बाहर निकला था तो मुझे इसकी टेंशन नहीं होती। नहीं ग्रास पे नहीं जाना आशी, ट्रैक पर चलाओ ना बेटे। ट्रैक पे
ट्रैक पे चलो आप ट्रैक पर चलाओ। मम्मा मैंने बोला कि स्विंग भी लेना है। स्विंग स्विंग नहीं लेना, स्लाइड ले लेता हूँ। स्लाइड नहीं तो मम्मा उसमें तो आपको भी बैठना पड़ेगा। नहीं स्विंग भी नहीं लेनी, स्लाइड भी नहीं लेनी। स्लाइड तो लेनी है। आप अभी साइकिलिंग कर रहे हो ना? हाशिर टेक अ साइड। हाशिर के साथ मैं बहुत कम बाहर आती हूँ। मैं जब भी इसके साथ बाहर आती हूँ ना, ये घर जाने का नाम नहीं लेता। ये कहता है कभी वहाँ उस बैक साइड पर चलो साइकिलिंग करने, कभी यहाँ पर चलो, कभी वहाँ पर चलो, और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो लेट्स गो। पार्क नहीं करना, हमने घर जाना है। आपको पता है ना मगरिब का टाइम होने वाला है। आप किधर बैठोगी? मैं कहीं भी नहीं, मैं अब घर जाएंगे। अब हम हमने स्लाइड लेनी है। स्लाइड नहीं आशी। ओके लेट्स गो टू होम हाशी। I'm going bye bye. अच्छा जी, ये जो पार्क है हमारे घर के बिल्कुल सामने है, तो हाशिर ख़ुद भी आ जाता है, लेकिन मैं इसको अकेले भेजती नहीं पार्क में, क्योंकि आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन फैमिली पार्क है, ओनली लेडीज़ का पार्क है, जेंट्स अलाउ नहीं है। तो वो राइट कॉर्नर पे हमारा घर है, तो हाशिर समटाइम्स खुद ही भी अब तो खुद आ जाता है, बड़ा हो गया माशाल्लाह, तो अपने कज़न्स के साथ जब आता है तो खुद आ जाता है। तो मैं इसको वैसे आने नहीं देती आउटसाइडर्स की वजह से, लेकिन आजकल लगता है कि बच्चों की स्कूलिंग है ना, तो इतने ज़्यादा आउटसाइडर्स नहीं आते, तो इस वजह से भी मैं हाशिर को ले आई थी। आओ वो वहाँ पर चलो। चलो आ जाओ जाने के लिए। बस मैं आ रहा हूँ। जैसा कि वेदर चेंज हो रहा है, तो मेरी खुद की तबीयत नहीं ठीक थी, फ्लू फीवर, गला ख़राब, तो बस फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, तो बहुत टाइम बाद मैं इसको लेकर बाहर आई थी। तो फिर मैंने कहा चलो जहाँ जाता है तो कोई बात नहीं है, राउंड लगा ले। तो बस फिर हमारी अब घर की वापसी थी, हम घर वापस आ रहे थे, और यहाँ पर मेरा ब्लॉग हो रहा है एंड। तो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए।